उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों एवं मंदिर अधिग्रहण के विरोध में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा 4 फरवरी को बिगुल फूंकने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें देश भर से तीर्थ पुरोहितों पहुंचेंगे। गोवर्धन में श्राइन बोर्ड और मंदिर अधिग्रहण की जो कार्रवाई पिछले कई दिनों से लगातार चली आ रही है, उसी के तहत तीर्थ पुरोहितों ने भी उनके साथ मिलकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया। मंदिरों का अधिग्रहण किया जा रहा है और कहा कि इसका हम सभी लोग विरोध करेंगे। अगर सरकार के द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया तो श्राइन बोर्ड और तीर्थ पुरोहित मिलकर आंदोलनात्मक प्रक्रिया अपनाएंगे। इस मुद्दे को लेकर श्रीधाम गोवर्धन में 4 फरवरी 2018 को धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें समस्त ब्रज मंडल के और देश से आने वाले पुरोहित एकत्रित होंगे। वहीं पर आगे के प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की जाएगी कि या तो सरकार इस निर्णय को वापस लेती है और नहीं तो हम लोग जन आंदोलन के रूप में आगे आएंगे। किसी भी कीमत पर मंदिर अधिग्रहण नहीं होने दे, इसके लिए अगर सरकार द्वारा इस पर जल्दी निर्णय नहीं लिया जा सकता है तो सभी धामों से अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के पदाधिकारी अगर आवश्यकता पड़ी तो संपूर्ण पुरोहित लामबंद होकर इस निर्णय का विरोध करेंगे। जबकि सरकार को चाहिए कि जो मंदिर है, जो धार्मिक स्थान है, उनकी देखरेख बढ़िया स्तर से होनी चाहिए। वहां की सुविधाओं के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, जिससे वहां की समस्याएं दूर हो। जो मंदिर में सेवायत है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अधिग्रहण जैसे कदम ना उठाए। अगर सरकार इस तरीके से अधिग्रहण की बात को करती है और हम इसका विरोध करते हैं, जबकि सरकार से भी जवाब मांगा गया है, ऐसे कौन कौन में स्थान है जिन पर अधिग्रहण की बात की जा रही है, पहले हमें यह बताएं। अगर नहीं बताते हैं तो हम इसका भरपूर विरोध करेंगे। 4 तारीख को इस पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। जबकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री मथुरा आने वाले हैं, उनके विरोध में भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक्चुअली में श्राइन बोर्ड का जो प्रारूप है, ये लोग ये बता रहे हैं कि हमने अभी इसको ग्रीन ट्रिब्यूनल को प्रारूप दिया है, परंतु जो सूचना हम पर आ रही है उसमें ये आ रहा है कि ये जो वहाँ के मंदिर है उनका भी अधिग्रहण करेंगे। तो इस अधिग्रहण को लेकर के तीर्थ पुरोहितों में बहुत भारी आक्रोश है। उन्होंने मेमोरेंडम भी दिए, अपने ज्ञापन भी दिए और कहा कि आप स्थिति को क्लियर करें, क्योंकि जब ये जवाब इनको सकारात्मक नहीं मिला कि हमारे मंदिरों का अधिग्रहण इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर के इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया। ये बात हमारे संज्ञान में भी आई अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के, क्योंकि लड़ाई हमने बैजनाथ धाम में भी लड़ी, राजगिरी में भी लड़ी, कुरुक्षेत्र में भी लड़ी और हमारी उज्जैन में भी लड़ाई हुई। तो इसको लेके हम लोगों ने अपने पूरे मथुरा जनपद के तीर्थ पुरोहितों को इकट्ठा किया है और इसी संदर्भ में 4 तारीख को गोवर्धन में बस स्टैंड के पास हमारी एक बृहद मीटिंग होने वाली है। और हमने ये पता करने की भी कोशिश की है RTA एक्ट से कि जो ये गठन करने जा रहे हैं उसका प्रारूप क्या है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको कोर्ट में भी चुनौती देंगे और 4 तारीख को हम अपनी रणनीति डिसाइड करेंगे कि जब तक ये निर्णय न हो जाए कि मंदिरों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, तीर्थ पुरोहितों के जो हक हैं उनका अधिग्रहण नहीं होगा, तब तक हमारी लड़ाई लड़ेगी। अभी मुख्यमंत्री आने वाले हैं और बरसाना में उसके लिए हमने ऐसा है कि ये बातें हमारे चारों तरफ से तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं कि साहब जब बरसाने में मुख्यमंत्री पधार रहे हैं तो हम अपना विरोध वहाँ पर दर्ज कराएं, परंतु ये निर्णय हम 4 तारीख की मीटिंग में लेंगे, क्योंकि उसमें हमारे नंदगांव बरसाने के भी तीर्थ पुरोहित हिस्सा लेंगे। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या प्रोग्राम है और उनकी क्या भूमिका रहेगी, और सर्वसम्मति से जो हमारे सभी तीर्थ पुरोहित निर्णय लेंगे, जो भी विरोध का स्वरूप बनेगा वो हम 4 तारीख को अपना डिसाइड करेंगे कि आगे की हमारी रणनीति क्या है। मथुरा से सैयद जाहिद की रिपोर्ट।